जैसे हम बोलते हैं राक्षस, तो राक्षस की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो ये उनकी क्या है, टेंडेंसी है। वैसे ही ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। वेलकम स्टूडेंट, माई नेम इज प्रीति वर्मा। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस पिक्चर में जो ये पर्सन है, इनको इंट्रोड्यूस करने की नीड नहीं है। इनका नेम सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन ने द मोशन ऑफ बॉडीज के नाम से 3 लॉज दिए हैं, उनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। इन लॉज की हेल्प से फर्स्ट थिंग जो न्यूटन ने करी है कि हमें फोर्स की बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज अ फोर्स। सेकेंड थिंग, अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी जो होगी वो अपनी स्टेट में क्या करेगी, चेंज करेगी। दैट मीन्स किसी एक न्यू स्टेट को क्या करेगी, एक्वायर करेगी। हो सकता है न्यू स्टेट को एक्वायर करे, हो सकता है न्यू स्टेट को एक्वायर ना करे। एक्वायर करने का मतलब है कि मोशन की न्यू स्टेट को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद में उसने न्यू कौन से स्टेट एक्वायर करी है, तो फोर्स और मोशन की जो स्टेट है उसके मिड में रिलेशनशिप दिया है कि क्या रिलेशनशिप होगा, वो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है। फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इनर्शिया। जब तक हमें ये इनर्शिया समझ में नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है। तो बेसिकली इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की क्या है, एक टेंडेंसी है जो उसकी स्टेट होगी। दैट मीन्स अगर वो रेस्ट में है या फिर वो क्या है, मूविंग में है, तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर वो मूविंग है तो वो क्या करे, यूनिफॉर्मली अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहिए, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। तो मतलब किसी भी बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। टेंडेंसी दैट मीन्स प्रवृत्ति। बहुत ही ऑड एग्जाम्पल है, जैसे हम बोलते हैं राक्षस, तो राक्षस की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो ये उनकी क्या है, टेंडेंसी है। वैसे ही ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट में रहने के लिए जो रजिस्ट करती है, दैट मीन्स स्टेट में रहने के लिए जो वो फाइट करती है, तो ये जो फाइट करने की प्रॉपर्टी है या फिर जो ये रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब जितनी भी हमारे पास जो बॉडीज हैं, इन सारी बॉडीज का क्या इनर्शिया सेम होता है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता है। बॉडीज का जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे। जिस भी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। सपोज आपके पास में एक छोटा सा पत्थर है तो उसका इनर्शिया जो होगा वो कम होगा, और एक बहुत बड़ा सा स्टोन है तो उसका इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। अब इनर्शिया ज्यादा है तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो दैट मीन्स उसमें रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होगी या रजिस्ट करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जब रजिस्ट करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा है तो दैट मीन्स हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो जितनी ही ज्यादा उसका इनर्शिया है, दैट मीन्स उसकी रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। दैट मीन्स मास अगर ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है दैट मीन्स उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसका जो अमाउंट होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू जिसका इनर्शिया कम है। अब यहाँ पे ये एक पिक्चर देखो, पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन दोनों में से इनर्शिया जो है, ये जो आपके पास फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, इसमें से इनर्शिया किसका ज्यादा है, तो आप आंसर दोगे जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो देख के ही लग रहा है कि ये जो सेकंड पर्सन है इसका इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास जो है वो क्या है, ज्यादा है।
तो अब इसने दोनों को सेम फोर्स अप्लाई करा, लेकिन उतने ही फोर्स अप्लाई करने में जो इसके बॉडी में जो मोशन हुआ, जो इसके स्टेट में चेंज हुआ, वो ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा स्विंग कर रहा है, वो हमें दिख रहा है। लेकिन इस पर इतना ही फोर्स अप्लाई करा, लेकिन उसका जो स्टेट में चेंज हुआ वो बहुत कम हुआ, हल्का सा कुछ सेकेंड तक हुआ, और फिर वो अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। तो दैट मीन्स इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसके स्टेट में चेंज करने के लिए आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना। इनर्शिया दैट मीन्स अपनी स्टेट को चेंज ना होने के लिए जो रजिस्ट करती है बॉडी, उस रजिस्ट करने को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या रिकॉग्नाइज करता है कि जितनी भी बॉडी है, सारी बॉडी में आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, इनर्शिया होगा। दैट मीन्स अगर बॉडी में इनर्शिया है, अपनी स्टेट को ईजली वो चेंज नहीं करेगी। दैट मीन्स उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो अप्लाई करना। किसी भी बॉडी में इनर्शिया है, दैट मीन्स कि बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। दैट मीन्स कोई भी बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हमें कौन बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो जो ट्रॉली की स्पीड है उसी स्पीड से ये पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ट्रॉली ये है, एक स्टोन से हिट करती है और स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो इस पे पर्सन है उस पे तो कोई भी फोर्स नहीं लगा, तो वो अभी भी मोशन में रहता है, और मोशन में रहने की वजह से वो क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। तो वो बेसिकली मोशन में है, तो वो मोशन में ही रह रहा है जब तक हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। चलो हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसको पहले ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर पेपर है, और पेपर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। हम पेपर पे फोर्स लगा के उसको क्या कर ले रहे हैं, ड्रैग कर ले रहे हैं, तो कॉइन जो है वो बेसिकली ग्लास में गिर जा रहा है, वो पेपर के साथ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो पेपर पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स हमने पेपर पे अप्लाई किया और पेपर को हमने ड्रैग कर लिया, लेकिन जो कॉइन था वो पहले से किस स्टेट में था, रेस्ट में था, तो वो अभी भी रेस्ट में रहता है, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है रेस्ट में, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या आके नीचे ग्लास में आके गिर जाता। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि जितनी भी बॉडी है उनमें सब में क्या होगा, इनर्शिया होगा, और वो इनर्शिया जो है वो बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। जैसे इनर्शिया जो था न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, उसी टाइप से मोमेंटम जो है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझने के लिए बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये तो हमें फर्स्ट लॉ से पता चल गया, किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज लाना है तो हमें उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो मोमेंटम होगा, अगर हमें किसी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू स्टॉप बॉडी वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा, वो किसके होगा, मास के होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई एक छोटी सी बॉल आ रही है, वो आपको मैं रोकने को बोलूँ तो आप या तो सिंपल हाथ लगा के या अपना एक पैर लगा के उसको रोक सकते हो, लेकिन अब कोई बहुत बड़ा सा स्टोन आ रहा है, वो आपकी तरफ लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, तो आपको उसको रोकने के लिए बेसिकली अपने दोनों हाथों को लगाना पड़ेगा, तब आप उसको क्या कर पाओगे, फाइनली रोक पाओगे। दैट मीन्स आपको फोर्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग बॉडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेलोसिटी के। अभी इसने बोला कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। अब ये बोल रहा है वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है, तो देखते हैं कैसे। जो मैंने आपको स्टोन बोला था जिसको आपने क्या करा था, ऐसे करके हाथ से रोक लिया था एक बड़े से स्टोन को, अब उस स्टोन को हम किसी भी रैम्प पे डाल देते हैं। दैट मीन्स अब कोई भी एक इस टाइप से है और हम उस पर डाल देते हैं इस स्टोन को, तो नॉर्मल सी बात है उस स्टोन की जो है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जाएगी, एज कम्पेयर टू कोई स्टोन जो है वो सिंपल आपके पास स्ट्रेट पाथ पे जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी।
नॉर्मल सी बात है। तो जब यहाँ से वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो अब ये बहुत तेजी से आएगा, तो अब आपके सिंगल आपके कंट्रोल में नहीं होगा कि आप अकेले उसको रोक लो। आपको एटलीस्ट 2 या 3% की नीड होगी, देन आप उसको रोक सकते हो, अकेले रोक नहीं पाओगे। तो दैट मीन्स जब किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसको जो स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ मास इन अ मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी क्वांटिटी ऑफ मोशन इस पे डिपेंड करेगी कि जो भी आपकी बॉडी है उसका मास कितना है और उसकी क्या कितनी है वेलोसिटी कितनी है। सो जो आपका मोमेंटम है वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सा इनका कहने का मीनिंग इतना है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो उसके मास और उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम मास इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम दोनों इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बोल रहा है लास्ट पॉइंट कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है और उसकी वेलोसिटी जो 0 है तो उसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल है। पी इक्वल्स टू बेसिकली एम इक्वल्स टू क्या है, वी है, और अगर हम वी को क्या कर दें, 0 कर दें, तो पी भी नॉर्मल सी बात है जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दैट मीन्स जो चेंज इन अ मोमेंटम है वो किसके प्रपोर्शनल होगा, अप्लाइड फोर्स के प्रपोर्शनल होगा। तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं, फोर्स प्रपोर्शनल टू चेंज इन अ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन अ मोमेंटम बेसिकली आपके पास में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब आपको मोमेंटम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी इक्वल्स टू बेसिकली आपके पास में क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अब फाइनल मोमेंटम जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू यू। यू किससे रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल, और यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से। अब यहाँ से आप एम को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू अपॉन टी बेसिकली ये आपके पास में क्या है, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एक्सलरेशन लिखते हैं। एक्सलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो फाइनली आपका एफ जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम ए के प्रोपोर्शनल हो गया। ये प्रोपोर्शनलिटी टेंट रिमूव करेंगे तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, के एम ए। यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है, और इसकी अगर एसआई यूनिट देखे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एसआई यूनिट में वो क्या होती है, 1 होती है। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ इक्वल्स टू बेसिकली क्या आ जाएगा, एम ए, या फिर एफ को हम किस, एफ जो है वो क्या है, फोर्स है, एम क्या है, मास है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है ये बेसिकली फोर्स और एक्सेलरेशन के मिड में क्या रिलेशनशिप है, ये डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन की सेकेंड लॉ को यूज करते हैं। कोई एक क्रिकेटर है, ये आपके बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। तो जब भी हम बॉल को कैच करते हैं तो इस टाइप से कैच करके हाथ को ड्रैग करके क्या ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, बेसिकली हम टाइम को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। जब हम टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो दैट मीन्स जो हमारे बॉल मेरे हाँ हमारे हाथ को हिट कर रही है उसकी वजह से जो हमें चोट लगेगी वो चोट भी क्या लगेगी, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, कम चोट लगेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक और शेयर करो। थैंक यू।